हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी बजे हैं सुबह के नहीं, आफ्टरनून के 12:01। एंड गेस व्हाट, अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। एंड रीज़न बता रही हूँ आपको थोड़ी देर में। उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट। जो लोग कमेंट नहीं भी करते हैं, कुछ नए लोगों ने कमेंट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माई व्लॉग। एंड इससे मेरे चैनल को भी यू नो बूस्ट मिलता है। सो जितने लाइक्स एंड कमेंट्स होते हैं उतना चैनल फीचर्ड होता है। माइन इज़ अ वेरी स्मॉल चैनल यू नो, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग रियली हार्ड। सो एक लाइक एंड कमेंट, दिस रियली मीन्स अ लॉट। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, आप यू नो सम यू नो सम मॉम्स आउट देयर जो यू नो इस तरह से यू नो वर हैंडलिंग इंडिपेंडेंटली एंड जिन्हें मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, किसी को भी आप जानते हो तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करें। एंड यू नो जस्ट हेल्प माई चैनल। सो जस्ट वॉन्टेड टू से दिस। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज आर वेन मैं अपलोड करती हूँ इवनिंग में व्लॉग। सो अगर आप इंडिया में या किसी और देश में हो तो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, मतलब वेंसडे एंड सैटरडे। सो प्लीज़ ज़रूर देखें एंड इंश्योर दैट आपका बेल बटन ऑन है, सो यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियो। सो या द रीज़न क्योंकि हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया इज कबीर इज नॉट फीलिंग वेल। एक्चुअली उसका काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम उसका ऐसा हुआ है बिकॉज बचपन से ही नेवर हैड एनी सच इशूज़। उसके बॉल मूवमेंट्स हमेशा से अच्छे रहे बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू गिव हिम बेरीज प्रून यू नो 6-5 मंथ के बाद। बट दिस इज द सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम जब हुआ था आई गेव हिम सम वॉर्म मिल्क 2-3 बार एंड देन दैट हेल्प हिम। सो यही ट्राई करें हम सुबह से। आई ऑल्सो गेव हिम ब्लूबेरी ब्रेकफास्ट के लिए, उसमें फाइबर होता है। सो होपफुली दैट हेल्प्स हिम क्योंकि बहुत आई कैन टेल कि बहुत ही ज़्यादा वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। ही इज़ नॉट हीज यूजुअल सेल्फ। सुबह से बहुत ज़्यादा फंसी है वो। सो इसीलिए यू नो वी वर जस्ट विथ हिम, नॉट वी एक्चुअली मी बिकॉज जीत इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। सो इट्स ऑल आई एम हैंडलिंग ऑल बाई माई सेल्फ। सुबह से जल्दी उठ भी गया वो तो उसके साथ ही थी, तो इसलिए हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी उसको मैं जस्ट नैप के लिए छोड़ के आई हूँ, ही इज़ ऑलरेडी नैपिंग। सो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। जीत 3 बजे तक काम करता है, 7 to 3। सो ही इज़ नॉट गोना कम आउट। मैं उसको जाके ब्रेकफास्ट दे दूँगी बिकॉज इट्स रियली लेट। ब्रेकफास्ट बनाते हैं हम। तो ये होता है कि क्या बनाना है ये भी सोचना पड़ता है। मैं जस्ट फ्रीज़र में देख रही हूँ बट मेरे पास वो डोसा का रेडीमेड पैकेट होता था बट वो ख़त्म हो गया है, वो नहीं बना सकते। आई वॉन्ट समथिंग जो क्विक बन जाए। आई हैव ब्रेड, लेट मी थिंक, बर्गर। बिकॉज मेरे पास ना ये ज़बीहा ये ब्रांड है इसका, ये बर्गर है जो बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ चिकन बर्गर। तो ये हमने ऑर्डर किया था, एक्चुअली कल हमने ग्रॉसरी ऑर्डर किया था डिलीवरी के लिए, मतलब दे डिलीवर्ड। सुपर स्टोर है कैनेडा में, दे आर डिलीवरिंग। वॉलमार्ट में यू हैव टू गो फॉर द पिकअप, इसलिए हमने सुपर स्टोर से ये सब ऑर्डर किया। थोड़ा बहुत घर पे स्टॉक होगा तो इजी होगा बिकॉज कबीर जिस स्टेज से भी जा रहा है थोड़ा सा वो ज़्यादा यू नो ही वॉन्ट्स टू बी विद अस। सो इसीलिए थोड़ा बहुत ये एक्स्ट्रा आइटम्स रख रहे हैं इस तरह की सिचुएशन के लिए जब जल्दी में कुछ बनाना है। तो ये मैं बर्गर बनाने वाली हूँ मेरे लिए एंड जीत के लिए। सो इस तरह का इसमें वो बर्गर पैटी होता है, इसे बस आपको माइक्रोवेव करना है थोड़ी टाइम के लिए। एंड ये मैंने बन भी ऑर्डर किया था तो इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ। पूरा नॉट पूरा बट या इट्स काइंड ऑफ फुल ये सारे फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मैंने काट के रखा था। बहुत इजी होता है इससे। मैं हमेशा से मील प्लानिंग करती हूँ, स्पेशली ये सिचुएशन तो काफ़ी डिमांड करता है कि मील प्लानिंग करके रखें। सो इंस्टेड ऑफ माइक्रोवेव करना मैं तवा यूज़ कर रही हूँ, तवा में बनाऊँगी उसे। थोड़ा सा बस ऑयल स्प्रे,
वैसे यूजुअली हम लोग फ्रोजन में ही इतना खाते नहीं है, लेकिन जब यू नो यू आर स्टेइंग विद अ बेबी तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जब वो थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग होता है, टाइम नहीं मिलता आपको कुछ भी करने का, तो तब ये सब काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड जीत इज अ काइंड ऑफ पर्सन, उसे जो दो खा लेगा अदर देन सम थिंग्स। एक ओट्स की खिचड़ी मैंने बनाई थी वो, और एक उपमा जो वो खुशी से नहीं खाता है। मुझे बर्गर में अनियन पसंद है, जीत को बिल्कुल भी अनियन नहीं पसंद है। वो कच्चा अनियन आई थिंक सिर्फ सैलेड में थोड़ा सा खाता है, बट अदरवाइज उसे कच्चा अनियन नहीं पसंद है। वॉट ही लाइक्स इज टमाटर बर्गर में, और मुझे टमाटर कुछ खास नहीं पसंद है बर्गर में, सो इट्स ऑपोजिट। तो ये पैटी हो गया है, और यहाँ पे मैंने ये जो बन था इसको थोड़ा सा तवे पे साइड में ही रख के थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया। एंड जो हम यूज करने वाले हैं ये है एक ऑर्गेनिक मेयो। ओके, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी। बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी होता है ये, किसी में भी आप ब्रेड में, सैंडविच, बर्गर कुछ भी बनाते हैं, एक बार बस मेरी रिकमेंडेशन मानिए, इसको ऐड करके देखिए, यू विल नॉट रिग्रेट। और थोड़ा सा केचप, नॉट केचप एक्चुअली, हॉट एंड सार। और मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये क्रश्ड हॉट चिली पेपर्स। इसमें इंग्रेडिएंट है हॉट चिली पेपर, सनफ्लावर ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बेसिल, सॉल्ट एंड विनेगर। बहुत बहुत टेस्टी होता है, बताती हूँ, ऐसा कुछ दिखता है। बहुत स्पाइसी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा खट्टा एंड स्पाइस का मिक्सचर है, तो ये भी हम अप्लाई करते हैं। एंड थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट। मेरा वाला, तो इसमें मैं अनियन ऐड कर रही हूँ, एंड जीत के वाले में टमाटर। ओह, दिख नहीं रहा है, मेरा अनियन, जीत का टमाटर, एंड फिर थोड़ा सा सॉल्ट। ये जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है बर्गर। I'll just poke some hole, so ये जो भी सॉस है अंदर अच्छे से घुसे। साइड से भी थोड़ा एक्स्ट्रा चिकन मिल रहा है ना हमें। सो इस तरह से मैं बनाती हूँ हमारा बर्गर। टेस्टी लगता है, ट्राई कीजिए जरूर, आई एम श्योर आप लोग भी इसी तरीके से बनाते होंगे। तो ये लेके मैं जाती हूँ पति देव को देनी, बिकॉज वो नहीं बाहर आ सकते हैं। एंड फिर मैं वेट करूँगी जब उसका शिफ्ट ख़त्म होगा घर पे भी, ही टेक्स वर्क वेरी सीरियसली। उसके बाद हम लंच करेंगे, तो उससे पहले मैं लंच प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि कभी का नैप टाइम मेरा प्रोडक्टिव होने का टाइम, राइट। उसको मैं देख के आती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मिस्टर, ब्रेकफास्ट कर लो फिर काम करना। काफ़ी लोगों ने बोला कि दे लाइक द वे यू व्लॉग्ड एंड यू आर वेरी सिंपल एंड दे रियली लाइक्ड इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा है, एंड 3 बजे के बाद वो दोबारा से अपना जलवा दिखाएगा। तो या कल मैंने और कबीर ने पिक्चर्स ली थी अपनी, सो मैंने इंस्टाग्राम में अपलोड किए, इन केस यू वांट टू सी, तो आई विल मेंशन माय इंस्टा आईडी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमेशा मेंशन करती हूँ, यू कैन फॉलो मी देयर। यूजुअली एवरीडे कुछ ना कुछ नो मोमेंट्स पिक्चर्स ज़रूर अपलोड करते हैं उस पर, सो दोज पिक्चर्स आर रियली अडोरेबल। बाय द वे, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बट कबीर लुक्स रियली क्यूट विद ऑल दोज यू नो ग्रिन एंड दो दांत दिख रहे हैं उसके। तुम दोनों के अच्छे आई है, कम अगेन।
थैंक यू। किच में आज मैं दाल मखनी, पंजाबी दाल मखनी बनाने वाली हूँ। दिस इज माई मदर इन लॉज स्टाइल, जिस तरह से वो बनाती है, बिकॉज आई एम फ्रॉम उड़ीसा इफ यू डोंट नो, एंड उड़ीसा में दाल मखनी इतना, मतलब दाल मखनी, राजमा छोले इतना नहीं हम लोग खाते हैं। दिस इज माई मॉम इन लॉज रेसिपी, आई शो यू कैसे वो बनाती है। पर फर्स्ट एक और चीज़, हमारा सिंक पूरा खाली है माइनस दिस जो अभी मैंने यूज़ किया था, सॉल खाली, क्योंकि हम जैसे ही यूज़ करते हैं हम वैसे ही बर्तन धो के रख देते हैं। दिस इज़ कभी के ब्रेकफास्ट का, तो इसको ब्रेकफास्ट के बाद ये सारा कुछ मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, सो हमारे पास कम बर्तन होंगे क्लीन करने के लिए। जब हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करे एंड आप होम पे हो तो अकेले खाना। ब्रेकफास्ट ओवर, थोड़ा बहुत मैंने प्रिपरेशन भी कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ वो दाल मखनी का जो मैंने प्रिपरेशन किया है। सो यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली जो हमारी काली दाल होती है, काली ग्रीन मूंग की दाल, वो लिया है। प्लस उसमें मैंने थोड़े से वन स्पून से थोड़ा ज़्यादा चना दाल लिया था, और कुछ राजमा लिया था, उसको मैंने बॉईल कर दिया थोड़ा सा नमक डाल के, और थोड़े से गरम मसाले, खड़े गरम मसाले भी डाले थे बॉईल करने के टाइम पे। एंड ये काफ़ी अच्छे से पक गया ये। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, उस पर मैं थोड़ा सा ये जीरा ऐड करूँगी, एंड जैसे ही जीरा स्प्लटर करने लगेगा उस पर आई विल ऐड कश्मीरी लाल मिर्च, एंड जल्दी जल्दी इसको चला देंगे नहीं तो मसाला जल जाएगा। एंड फिर ये प्याज, कटे हुए प्याज, मैंने एक प्याज एक्चुअली काट के चॉप करके रखा था। तो प्याज यहाँ पे थोड़ा सा पक चुका है, ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है, तो इस टाइम पे मैं इसमें अबाउट आधा स्पून जिंजर एंड आधा स्पून गार्लिक ऐड कर रही हूँ। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक गार्लिक और जिंजर का जो रॉ स्मेल है वो निकल नहीं जाता है। इंडियन मसाले में एक चीज़ अच्छा है ना कि इट्स ऑल कॉमन, सेम चीज़ ही होती है, बट थोड़ा बहुत हम वेरिएशन करते हैं, टेस्ट एकदम बदल जाता है। सो ये जो हम टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का ये पेस्ट बनाते हैं या ये मसाला बनाते हैं, तो ये मोस्टली सारे सब्जियां में होता है, राइट? बट थोड़ा सा यहाँ वहाँ हम करते हैं, एंड देन दाल मखनी बन जाती है, कभी गोभी की सब्ज़ी बन जाती है, कभी कोई और सब्ज़ी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा निकाल के अलग से पका रही हूँ मैं ये कभी के लिए। तो ये जो छौंका का पैन होता है ना, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, इसमें हम थोड़ा बहुत जब बच्चे के लिए यू नो कुछ बनाते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा बना सकते हैं। मैं इस पर, ऐसे तो हमें टमाटर का प्यूरी ऐड करना चाहिए, बट मेरे पास ये टमाटर का प्यूरी है ऑलरेडी, टमाटर पेस्ट, तो मैं ये ऐड करूँगी। बट टमाटर जो जो रॉ टमाटर होता है उसकी प्यूरी से डेफिनेटली टेस्ट बेटर होता है। और इसे मैं 3-4 मिनट तक थोड़ा सा पका दूँगी। एक और बात है, ये जो मम्मा बनाती थी वो हमेशा से मतलब बटर में बनाती थी, क्योंकि है ही दाल मखनी मक्खन, बट क्योंकि मैं मक्खन नहीं खाती हूँ, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स यूजुअली मैं नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ। बट अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो तो प्लीज़ बटर में बनाएं, या फिर थोड़ा सा ऑयल और बटर मिक्सचर बनाएं। रेस्टोरेंट में वो लोग ऐसे बनाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हम सब जानते हैं, राइट? तो बटर में बनाएं, बहुत सारा, ढेर सारा बटर, बिल्कुल कंजूसी मत करें कि यू नो पेट निकल आएगा, ऐसा कुछ, थोड़ा सा कसरत करें और बटर में बना के जम से जम के खाएं। तो इसमें थोड़ा सा बस हल्दी, जो नॉर्मल हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर एंड नमक। नमक बहुत केयरफुली डालना है, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी दाल में डाला था जब हम दाल बॉईल कर रहे थे। सो ये मसाला सारा पक गया है, अब इसमें मैं बॉईल दाल ऐड करूँगी। सो आई एम सॉरी, मैं इसे बॉईल दाल ऐड करूँगी, नॉट दाल।
एंड जो एक चीज मम्मा करती थी दैट वॉज ये जो है ना पटेटो मैशर सॉरी आज पता नहीं क्यों ऐसे वर्ड्स निकल रहे पटेटो मैशर तो उससे थोड़ा बहुत ये मैश कर देंगे तो ये बहुत ही क्रीमी सा बन जाता है इसे मैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे 15-20 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ दूंगी जब तक ये पूरा थिक ना हो जाए एंड इसे कवर करके मैं पका लूंगी 10-15 मिनट के लिए तो दाल मखनी बन रही है यहाँ पे मैंने कबीर के लिए क्योंकि वो चावल खाया है तो उसके लिए चावल बना रही हूँ एंड उसके लिए ऑलरेडी मैंने दाल निकाल दिया है मसाले डालने से पहले सो वो खाएगा प्लस जीत को मैंने पूछा चावल के साथ खाओगे कि नहीं तो उन्होंने बोला कि मुझे पराठे खाने हैं तो प्लेन पराठे तो इसके लिए मैंने आटा गूंद लिया है सो ऑलमोस्ट सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है तो जैसे ही 3 बजे अभी कितना बजा है अभी 2 बज रहे हैं कभी भी नैप ले रहा है अभी तक तो आई थिंक वो भी कभी भी उठ जाएगा तो पहले मैं उसको खिला दूंगी एंड उसके बाद वंस जीत का पूरा काम ख़त्म होता है 3 बजे के बाद बाहर आता है तब मैं उसे गर्मा गर्म पराठे बना के खिलाऊंगी उसे जो प्लेन पराठे होते हैं चौकन्ने पराठे उसे वो खाना है तो वो उसे एक्चुअली मेरी मॉम इन लॉ की याद दिलाती है बिकॉज माय मॉम इन लॉ यूज़ टू मेक स्क्वायर पराठा तो उसे इसीलिए बहुत पसंद है स्क्वायर पराठा वो मुझे हमेशा बोलता है मुझे स्क्वायर पराठा बना के दो मुझे प्लेन राउंड नहीं खाना तो उसके लिए वो बनाऊंगी एंड ही रियली मिस हर ओ कबीर उठ गया मुझे हंस की आवाज़ सुनाई दे रही है दिखाती हूँ आपको मिलवाती हूँ आपको कबीर से पता चला कबीर उठ गया हाय हैप्पी हैप्पी कबीर हैप्पी हैप्पी बेबी है ना रोके नहीं गिजोगे क्या डालना है नीचे वो मैं देती हूँ पकड़ो उसको ये उसी का है ये पहना दो उसको उल्टा टांग फिर का मैं नहीं इसके जो भी छोटे हो गए ना कपड़े वो सारे आज हम अलग पाइल कर देते हैं लाउंजिंग क्या है डिफरेंट सॉक्स डिफरेंट मैंने बांधे रखी थी डिफरेंट तुमने क्यों डिफरेंट सॉक्स बांध के रखी थी क्योंकि उस दिन जो सामने आई वो मैंने डाल दी उसके बाद जो बाकी धुल के आई तो फिर वो नीचे थी एक अभी डू यू थिंक यू आर क्यूट यू थिंक यू आर क्यूट यस यू थिंक सो मम्मा लेस देन डैडी ओह ये क्या किया मम्मा ने ये क्या किया मम्मा ने गेस व्हाट कबीर कभी खाने में पंगे नहीं करता उसको कुछ भी दो वो आराम से खा लेता है एंड दिस इज समथिंग जो मुझे पता है कि उसे अच्छा लगता है यू नो दाल एंड चावल बट बिकॉज ऑब्वियसली आई मीन ही सो कॉन्स्टिपेटेड ही हैड नो बाल मूवमेंट सिंस आई थिंक 2 डेज तो इसीलिए उसे ऑब्वियसली मन नहीं कर रहा खाने का एंड जितना मैंने ट्राई की कुछ नहीं खाया इंस्टेड जो थोड़ा बहुत खाया था वो वॉमिट कर दिया निकाल दिया आई डोंट नो व्हाट टू डू यू नो रियली इट्स रियली टफ टू सी योर बेबी इन पेन आई डोंट नो प्लीज़ लेट मी नो अगर इफ़ यू हैव एनी सजेशंस यू नो कि कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं उसे आई एम गिविंग हिम एवरीथिंग बहुत पानी पी रहा है वो ही इज़ ईटिंग प्रून ऑलमोस्ट एवरी डे एंड ही इज़ ऑल्सो ईटिंग ब्लूबेरी बट वॉर्म मिल्क आई डोंट नो एंड वॉमिट करने के बाद ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग एंड पुअर बेबी
यहाँ पे सारा ग्रॉसरी पड़ा हुआ है, यहाँ पे सारे टॉयज वैसे ही हैं, यहाँ पे सारा सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। 3 बज रहा है एंड वो बस थोड़ा सा 2-3 स्पून खाया एंड वो भी निकाल दिया। सो रियली आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दीज। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सफाई फ्रीक पर्सन, ऑल आई केयर इज कि ये थोड़ा सा कुछ खाए एंड थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन उसका ख़त्म हो। कबीर, यू ओके बाबा? And what I had to go through to get it, let me tell you. Lorelei, the cup's empty. It was booked up 2 years in advance. And the Sheldrakes have the Rose Room. They were having a retirement party, a ridiculous like that. And they simply refused to let us have the room. Please. Not again, please. Good boy. ओके, दिस इज मी। आई एम सो टायर्ड कबू। पारी कर दो हाथ से। अच्छा, पारी नहीं करना, हाथ से पैट कर दो प्लीज। If you can't tell, I'm really tired. अभी कबीर को हम लेके जाएंगे नैप के लिए, जो उसे करना पड़ेगा प्लीज। ओके प्लीज, और फिर हम भी नैप लेंगे, बिकॉज वी आर वेरी वेरी टायर्ड। हाई, आई एम बैक। इस ब्लॉग में थोड़ा कम दिखा क्योंकि आज मतलब नॉर्मल वीक डे था तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अनदर अपडेट, मैं शायद अपडेट मैन बन गया हूँ। अभी बजा है 8:20, हम लोग नैप ले लिए, काफ़ी लंबा नैप हो गया, काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग नैप था। 8 बजे उठे, भाई सब भी तंग नहीं किए, भाई सब भी सो गए थे आराम से। यस यू, हाई, गुड बॉय। तो हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे मामा किचन में। से हाय। Who, me? Yes, you. Hi. Let's go see mama. Hi. Usually 7:30 तक उसका खाना बना के रख देते हैं क्योंकि उसका चपाती एक्चुअली थोड़ी देर तक सोक होता है तो उनमें। तो आज हम सब लेट है। सब आप लोग सोचते होंगे ना कि हम लोग कितना नैप लेते हैं, फिर कितना टायर्ड बोलते हैं। सो इट्स ऐसा होता है ना कोइंसिडेंस कि यूजुअली हम लोग जिस दिन ब्लॉग कर रहे होते हैं उस दिन ज़्यादा टायरिंग होता है क्योंकि यू नो कैमरा यहाँ वहाँ करो, सब कुछ दिखा एंड देन फिर काम करते हैं। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि जिस दिन हम लोग ब्लॉग करते हैं हम लोग ज़्यादा नैप लेते हैं। जैसे कल हमने ब्लॉग नहीं किया था एंड कल वी डिडंट टेक अ नैप, इट्स ओनली कबीर। सो बट या, अगर टाइम मिलता है तो सबको लेना चाहिए, मतलब जितना रेस्ट पॉसिबल है। और स्पेशली घर, मुझे लगता है ना स्पेशली हम लोग घर पे रह रहे हैं तो ज़्यादा टायरिंग लग रहा है। जब ऑफिस जाते थे एंड वीकेंड होता था तब इतना नहीं लगता था। इसलिए पहले था कि दोनों ऑफिस जाते थे एक शिफ्ट वो एक शिफ्ट में, तो इतना टायरिंग नहीं लगता था। राइट हैंडसम, से हाय। व्हाट यू नॉट डू नाउ? खेलना है, खाना खाना है। मम्मा क्या करेंगे अभी? अभी थोड़ा सा उसको सोक हो रहा है ना तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसको, तुम लोग खेल लो थोड़ी देर के लिए। लेट्स प्ले 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 टाइम।
And that's Kavi's swim pants. They're so cute. You know. And monkey ke liye, there are monkeys. पकड़ के पकड़ के पकड़ ओ इट्स मच लेटर नाउ अभी बज रहे हैं टाइम 12:30 11:45 और हमने डिसाइड किया था हम जल्दी सोएंगे पेरेंटहुड एनीवेज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं ट्रस्ट मी जब वो होता है वी आर ऑन आर टोज आई मीन लाइफ इज नेवर गोइंग टू बी व्हाट इट वाज बिफोर हमारे पास कितना टाइम होता था रिलैक्स करने के लिए लाइफ जितनी भी टफ हो लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा हो गए हैं बट यू नो इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एंड वी वुडंट चेंज अ थिंग he is the best thing that has happened to not thing he is the best whatever has happened to us in our entire life so that's what so anyways hum ye grocery bhi rakhne wale the but then 48 hours nahi hua na kal so kal hoga 48 hours to kal hum wo rakhenge thoda bahut ye basic couch ka cleaning wagera karna hai wo hum karke soyenge aur abhi ye list bana raha hai kuch kis cheez ki list bana raha hai टू-डू लिस्ट हाँ अगर आपको कुछ और वीडियोस देखना है या कुछ स्पेशल आई मीन लाइक किचन वीडियोस क्लीनिंग वीडियोस ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस तो प्लीज लेट अस नो कमेंट सेक्शन में एंड या कोई बेबी रिलेटेड वीडियोस या कुछ बेबी रिलेटेड वीडियोस मतलब बेबी हेल्प या कुछ भी ओके सो वी आर गोना एंड आवर व्लॉग हियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग And if you like this video, give this one a thumbs up. It really means a lot. And comment below. Kuch bhi, you know, kuch bhi comment kijiye. That really helps our channel. And agar aapke paas koi bhi, you know, baby constipation ko cure karne ka koi bhi upay hai, so please let us know. That would be really helpful. So stay home, stay safe. And we're gonna see you guys in our next one. Bye, guys.